Hello everyone, welcome to new video. Today we are going to discuss about new phenomenon, that is atom, the series of and classification of element in that the series is came, that is atom. So students, what is meant by atom? Atom is nothing but the constituent element. With the help of atom only the elements were made, or element means atom is defined as the structural unit which consists all the geometrical shape, all the geometrical size of an object. देखो, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बच्चों, कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो भी एटम से ही बने वाला है ना, उसमें भी एटम है. कैसे एटम है उसमें, कैसे बोल सकते हैं कि उसमें एटम है या नहीं है? तो उसके एटम है या नहीं है ये बताने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली ये बोल सकते हैं कि एटम जो है, एटम को बनाने के लिए या फिर एटम को क्रिएट करने के लिए, हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल को क्रिएट करने के लिए, देयर वाज एन एटम विच आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ट्वाइस अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. सो दैट इज मॉलिक्यूल इज नथिंग बट द एटम. सो हाइड्रोजन इज नथिंग बट द एटम. इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न दैट एटम, एट द सेंटर ऑफ एटम, इज नोन एज न्यूक्लियस. द सेंटर ऑफ एटम इज नोन एज न्यूक्लियस एंड अराउंड इट इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग. ओके, सो अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग एंड वी नो वेरी वेल दीज इलेक्ट्रॉन टाई अप विद द न्यूक्लियस कॉल्ड एज प्रोटॉन. देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं. एंड सेकेंड थिंग ये भी बोलते हैं हम लोग कि जो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को ज्वाइन करके रखता है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन. सो वी हैव क्लियरली सीन दैट इलेक्ट्रॉन इज एन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. द इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज्ड व्हाइल प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज. Protons are positively charged while electrons are negatively charged. And these atoms are so tiny. With the help naked eyes, we are unable to see these. We have to see this element or we have to see this atom under the microscope, that is compound microscope or computer graphics microscope that we have used in for our laboratory to see the structure of an atom, all the things to discover it. So second important thing is that about the atom. So about atom, there was some important concepts are related to it. First of all, size of atom. What is the size of atom? Atoms are tiny. So we can't say that the atoms are 1 millimeter, 1 centimeter, because we are unable to see with the naked eyes. So that's the reason size. Second is mass. And mass means mass of that atom, you know, see. केमिस्ट्री कितना वास्ट है, कितना डिटेल में हम लोग देख सकते हैं इसको, क्योंकि हम लोग जब एटम के बारे में स्टडी करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग उसका साइज देखते हैं क्या, नहीं उसका मास देखते हैं क्या, नहीं इवन दो उसका वैलेंसी भी देखते हैं. एक्चुअल तो ऑब्वियसली बात है कि एटम तो नेकड़ आइज से दिखता भी नहीं है, फिर भी हम लोग उसका मास भी कैलकुलेट करते हैं, साइज भी कैलकुलेट करते हैं और उसकी वैलेंसी भी देखते हैं. सो यहाँ पे लास्ट आता है वैलेंसी. वैलेंसी, वैलेंसी मीन्स व्हाट, कि आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स कम है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है. अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर अभी आप देख पा रहे हो, मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम यहाँ पे लिया है. ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप क्लियरली देख सकते हो, देखो कितने ज़्यादा एटम है. ईच एंड एवरी एटम यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो बच्चों, इसके अंदर जो है पार्टिकल जो है, आपको न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है क्लियरली विजिबल हो रहे हैं. ये वाली इमेज कब आती है मालूम है आपको? ये वाली इमेज आती है जब आप इसको अंडर माइक्रोस्कोप देखते हो, ठीक है. सो जब कभी भी हम लोग देखते हैं ना, तो साइज जो एटम की होती है वो कैसे डिफाइन की जाती है, उसके रेडियस पे डिफाइन की जाती है. सो साइज एटम का किसके ऊपर डिपेंडेंट करेगा? ऑन द रेडियस. अब रेडियस कैसे, देखो फॉर एग्जांपल ये कोई तो एक एटम है या फिर कोई तो एक एटम का न्यूक्लियस है. ये उसका फर्स्ट ऑर्बिट है, ये उसका सेकेंड ऑर्बिट है, ये उसका थर्ड ऑर्बिट है. सो न्यूक्लियस से थर्ड ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस होता है, जो रेडियस होती है, उसी को ही क्या कहा जाता है, उसका साइज, उसकी रेडियस को ही क्या कहा जाता है, साइज ऑफ एन एटम.
एटम की साइज कैसे डिफाइन करते हैं मालूम है, न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक, क्योंकि अपने को मालूम है 2, 8, 18, 32 ये क्या है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 2, 8, 18, 32 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, 2 × 2^1, नेक्स्ट हमने क्या किया था 2 × 2^2, नेक्स्ट हमने क्या किया था 2 × 2^3 और नेक्स्ट हमने क्या किया था 2 × 2^4 बराबर। सो यहाँ पे ये सब कुछ अपने को दिखाई देता है 2^4, 4 कितना दिखे मैं बता देता हूँ, 2^2^1 मतलब सॉरी 1^2, 1^2, 2^3 एंड 4^4 ऐसे हम लोग इसको करते हैं, 4^4 × 2 ऐसे किया जाता है ये, डोंट वरी अबाउट इट, ये अपने को सिलेबस में नहीं है तो डोंट नीड टू सी ओवर हियर दैट मच। ओके सो ये कैसे होता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ऑर्बिट में 8 है, थर्ड ऑर्बिट में 18 है, फोर्थ ऑर्बिट में 32 एलिमेंट्स वर देयर। सो If one we have taken one example for it, we can take an examples also. But I just wanted to tell you that in first orbit 2 electrons were evolved, in second orbit there was 8 electrons were present. Okay, so one element is there whose electronic configuration is 2, 8. Okay, so that is enough. You don't need to trace the third orbit or fourth orbit. Here orbit is clear. So right now the distance between nucleus to the outermost orbit is known as its radius, and that radius is nothing but the size of an atom. Us radius hi kya, us radius ko hi kya bolte hain hum log, us atom ka size bol dete hain. Atom bahut chota hota hai, naked eye se dikhta nahi hai, fir bhi uske andar bhi radius nikalni padti hai. To ye kaise nikalenge, uske electronic configuration se nikalte hain. Outermost orbit tak ka jo bhi distance hota hai ya fir outermost orbit jitni bhi hoti hai, jitne tak bhi uska distance jata hai, travel hota hai, vary hota hai, usi ko hi kaha jata hai uska jo radius of an atom. Okay, so radius, the atomic radius of an isolated atom is the distance between the nucleus of an atom and the outermost orbit. Atomic radius is expressed in nanometer. Atomic radius kis mein measure ki jati hai? To nanometer mein, jisko likhte hai hum log nm. Atomic radius is measured in nm. What is mean by nm? nm bole to kya, nm is nothing but the nanometer. ab nanometer kaise hota hai dekho, jaise ki hum log dekhte hain 100 cm is equal to 1 meter. Okay, next 1000 millimeter is equal to 1 cm. Okay, next hum log kya matlab aise conversion hai to एनएम के लिए क्या होता है, तो देखो अगर आपने जो है 1/10^9 किया, सॉरी ऐसे लिख देता हूं मैं, सो 1 मीटर इज इक्वल टू 10^-9 एन एम. ओके, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9, 1 मीटर इज इक्वल टू 10^-9 एन एम, या फिर इसको उल्टा भी लिख सकते हैं. सो कैसे लिखेंगे, 10^-9 एन एम इज इक्वल टू 1 मीटर. 1 मीटर का कितना पोर्शन, 1/119, तो इसको हम लोग रिवर्स में लिखना पड़ेगा. इसको कैसे रिवर्स में लिखना पड़ेगा, दैट इज 1 nm इज इक्वल टू 1/10^9 m. 1 nm इज इक्वल टू 1/10^9 m, या फिर उसको हम लोग माइनस में, मैंने माइनस में लिख के दिखाया, दैट इज कैसे लिखा था मैंने, 10^-9, बिकॉज ये +9 अगर ऊपर जाएगा तो -9 बन जाएगा. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 1 nm, 1 nm बोले तो कितना, 0. ऐसे कितने जीरो चाहिए, 8 जीरो चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 नंबर पे क्या चाहिए, 1 चाहिए. तो 1 nm इज इक्वल टू इतना मीटर. ठीक है, सो इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, 1 × 10^-9 मीटर. 1 nm इज इक्वल टू 10^-9 मीटर. देखो कितना छोटा है. अब इसमें कुछ एक होते हैं, देखो आप ये कन्वर्जन जो है ये लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इट इज एन इंपॉर्टेंट. सम ऑफ एटॉमिक रेडियस वेयर गिवन, कुछ एटॉमिक रेडियस दिए वाले हैं ऑलरेडी हम लोगों को, जैसे हाइड्रोजन वाटर एंड हीमोग्लोबिन दिया है, जो कि हमारे बॉडी का मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है.
ठीक है, आई इरेज दिस ऑल्सो। नाउ सबसे पहले देखो, सी सबसे पहले है हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का कितना है, तो हाइड्रोजन गैस है 1 × 10⁻¹⁰ nm। नेक्स्ट है देखो वाटर, वाटर मॉलिक्यूल का कितना है 1 × 10⁻¹⁹ nm। एंड लास्ट में देखो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का कितना है 1 × 10⁻¹⁹ nm। सो इन सबको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये तीनों को आप नोट डाउन कर लीजिए, यू मस्ट हैव टू नोट डाउन दिस थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, दैट इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 1 × 10⁻¹⁰, वाटर मॉलिक्यूल इज 1 × 10⁻¹⁹ एंड हीमोग्लोबिन इज 1 × 10⁻¹⁸ nm। सो दीज आर द एटॉमिक रेडियस ऑफ सम एलिमेंट। सो नाउ एटम आर वेरी 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 टाइनी मॉलिक्यूल्स, इंस्ट्रूमेंट लाइक द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फील्ड आयन माइक्रोस्कोप, स्कैटरिंग ऑफ या फिर इसको ही हम लोग क्या बोल सकते, देखो स्कैटरिंग को ही हम लोग बोल सकते, देखो दैट इज स्क्रीनिंग टर्मिनेटिंग और स्क्रीनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप एक होता है, उसके बाद में स्कोप जो कि कैपेसिटी शो करती है एनलार्ज इमेज का, जो कि एटम की एनलार्ज इमेज को भी शो करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो एटम होते हैं बहुत ज़्यादा स्मॉल होने की वजह से जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि क्या है, सबसे पहला आता है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सेकेंड वाला क्या आता है आपका, दैट इज स्कैनिंग ट्यूनिंग ट्यूनलिंग, उसके बाद में आता है आपका सबसे फील्ड आयन माइक्रोस्कोप। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके अंदर ही ये कैपेसिटी होती है कि ये एटम की इमेज को भी क्या कर देते हैं, एनलार्ज कर देते हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, इट शोस एनलार्ज इमेजेस ऑफ द एटम। ओके द एटॉमिक साइज, ये जो ये भी पॉइंट आप मेंशन कर लीजिए, सी नेक्स्ट इज द एटॉमिक साइज इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर डिपेंडेंट है, क्योंकि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतनी ज़्यादा ऑर्बिट बढ़ेंगी, जितनी ज़्यादा ऑर्बिट बढ़ेंगी उतना ज़्यादा वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्बिट की वजह से उसका रेडियस जो है इंक्रीज होता जाएगा या फिर डिक्रीज होता जाएगा। सो वॉट वी कैन से ओवर हियर दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन इज आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज ग्रेटर, विच मीन्स ग्रेटर इज द रेडियस, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज विच मीन्स देर इज अ लेस रेडियस, एटोमिक रेडियस। ओके सो द ग्रेटर द नंबर ऑफ एन ऑर्बिट लार्जर द साइज, फॉर एग्जाम्पल एटम ऑफ के, एटम ऑफ के इज बिगर देन सोडियम। If two atom have the same outermost orbit, then the atom having the large number of electrons in the outermost orbit is similar than that of one having fewer electrons in the some natural or outermost orbit. For example, the atom of magnesium is smaller than atom of sodium. M magnesium is smaller than sodium. So this is nothing but the atom and its radius. I hope you understood this phenomenon. If you have a doubt, so don't forget to ask me in the comment box which is given below. Otherwise I written this, you have to write down these things also. In next video module we are going to discuss about the mass of an atom, in next we are going to discuss about the mass of an atom. Okay, so I hope you enjoy this phenomenon. If you like this phenomenon, don't forget to like, share and subscribe my channel. Because of subscription, you'll get the notification whenever I'll upload the new video. I hope you enjoy this phenomenon. Still, if you have a doubt, so don't forget to ask in the comment box, which is given below. Thank you.